नमस्कार दोस्तों, ऐसे पुरुष होते हैं बेहद लक्की, ऐसो आराम से कटती है जिंदगी। दोस्तों, भविष्य पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए उसके सभी अंगों जैसे दांतों, बाल, नाखून, दाढ़ी मूछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 10 शारीरिक लक्षणों के द्वारा पुरुषों के भाग्यशाली होने के कौन से संकेत मिलते हैं। नंबर एक, जिन पुरुषों की हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। नंबर दो, दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन आदमियों की जांग मांसल यानी भरी हुई और लंबी होती है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। मजबूत जांग वाले पुरुषों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। नंबर तीन, अगर किसी पुरुष का पेट मांस से भरा हुआ, गोल और एकदम सीधा है तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे पुरुषों को जीवन में खूब धन लाभ होता है, जिससे उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। नंबर चार, अगर किसी पुरुष की गर्दन छोटी या सामान्य है तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे पुरुष बड़े धनवान होते हैं, उन्हें जीवन में सफल होने के कई बड़े अवसर भी प्राप्त होते हैं। नंबर पाँच, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी आदमी के पैर कोमल और लालिमा लिए होते हैं और उनके पैरों में कम पसीना आता हो, उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे पुरुषों का जीवन सुख सुविधाओं से युक्त होने के कारण सरलता से गुजरता है, यानी ऐसे पुरुषों को जीवन में कोई कमी नहीं होती। नंबर छः, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो तो वो कम उम्र में ही काफ़ी तरक्की पा लेते हैं। नंबर सात, जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है, साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती है। नंबर आठ, अगर किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। नंबर नौ, यदि किसी पुरुष के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं तो ऐसे पुरुष स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर दस, जिस पुरुष के हाथ में चक्र, धनुष, तलवार या बाले जैसी रेखाएं मौजूद होती हैं, समुद्र शास्त्र में उन पुरुषों के बारे में माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को आर्मी, पुलिस जैसे क्षेत्रों में उच्च पद पर आसीन होने का मौका मिलता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह भाग्यशाली पुरुषों की निशानियां। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।